एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग, और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। बनाने जा रहे हैं 5 फीट की पतंग। उसके लिए आपको जो आइटम रिक्वायर होगा वो बांस का ये डंडा हुआ, छिला हुआ, जो हम दुकान से छिलवा कर लाए हैं, और ये मोटा सेलो टेप कम से कम इतना मोटा होना चाहिए जो पतंग को रोक सके, स्टेबल रख सके। और ये चाकू चाहिए होगा आपको, ये धागा, और ये फेविकोल चाहिए होगा, और बहुत सारा न्यूज़पेपर चाहिए होगा। बड़ी पतंग बनानी है तो बहुत सारा न्यूज़पेपर चाहिए होगा, और पतंग को उड़ाएंगे भी हम, अमन को बांध कर उड़ा देंगे उसमें। मैं बांध के उड़ा दोगे? चलो देखेंगे। चलो तब तक आप टाइम स्लैप्स एंजॉय करिए, और हम बनाते हैं आपके लिए पतंग बहुत बड़ी। अमन इतना काटना बस। पतंग बन के तैयार, उठाओ लड़को, खड़ी करो पतंग हमारी। ये 5 फीट की पतंग, साइज थोड़ा कम हो गया कट पिट के, लेंथ वेंथ लेके मैथमेटिक्स लगा के, लेकिन फर्स्ट क्लास बनी है। और इसकी कंधे कौन बांधेगा? अमन भाई बांधेगा। एक वीडियो में हमारी बताया भी कंधे बांध कर, तो अमन भाई बांधेगा। अमन भाई जल्दी से इसकी कंधे बांधो, मुझे उड़ाना है इसको जल्दी से। ठीक है। तो जल्द फटाफट कंधे बांधते हैं इसकी और उसको उड़ाते हैं। तुम पीछे ना जाओ। आओ पीछे, आओ पीछे, दीवार जाओ। आ जाओ पीछे, बहुत मजा आने वाला है। आओ जाओ। एक और। एक दो तीन चलो। ये अबे यार, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? धरती पे आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। ये रही 1 घंटे की मेहनत, 1-2 घंटे की, ये रही 2 घंटे की मेहनत, ये तो 2 घंटे की मेहनत, ये 2 घंटे डस्टबिन में। मैनर से 2000 years later बहुत हो गई 5 फीट की पतंग। हमें 2 घंटे लगे उसे बनाने में और वो 2 मिनट भी नहीं उड़ी। तो अब हम आते हैं अपने साइज पर। पतंग लंबे करो, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अगर कटे दोबारा पतंग नहीं मिलने वाले। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। सपनों को उड़ान देने की उम्र में अमन पतंग को उड़ान दे रहे हैं। मैंने पतंग उड़ाओगे? पतंग नाच रही थी, इसका नाचना बंद कर दे पहले। क्यों, इसकी कन्नेठा से है क्या? नहीं, हम बोल रहे थे 5वीं तक उड़ाया, फिर भी किसी भी दिन किसी को काट सकता है। पाव।
अरे अमन भाई, मैं सोच रहा हूँ कि आराम से हम लोग टीमिंग करके पतंग उड़ाते हैं। ठीक कर लो। तुम्हारी टीम में कौन रहेगा? ये रहेगा। अच्छा, आपकी टीम में कौन रहेगा? मेरी टीम में विनय की एक्स रहेगी। उड़ानी आती है उनको? उड़ानी तो पता नहीं। विनय एक साथ तीन पतंगे काटी विनय ने। ये हमारी लंका का विभीषण है। क्या हो भाई? विनय पतंग लूट रहे हो? भाला आ रही है। नीचे गिर जाता क्या फोन? फोन नीचे गिरता क्या? नहीं नहीं। सबके दोस्त होते हैं हमारे नमूने, एक से बढ़के एक। सही बोले आप। ये पड़ोसी हमारा कुछ ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। चला बेईमानी कर रहा है। बेईमानी नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ से लूट लाया रिफंड की और हमें ना उड़ा हाथ से काट दे रहा है। आके उड़ाना सही नहीं है बिना। उठा तो कट ही जाए। मुझे उड़ाने दो एक बार, आसमान में कोई झाड़ू मार। हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। देखो एक बात है, तुम भी सुनो। एक बार हमारे गांव में हुआ पतंगबाजी का मुकाबला। क्या हुआ मुकाबला? बीच में मत बोलूं। ओके। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान आए थे। कौन आए थे? तुर्रम खान। बीच में मत बोलूं। ओके। हमने भी पतंग उड़ाई। ठीक। हमने जो खींचा मारा कि मानो आसमान में कोई झाड़ू मार गया। क्या मार गया हो? झाड़ू। तुमसे कह रहे बीच में ना बोलो यार, समझ नहीं आता तुम लोग को। हमको नहीं बात। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अरे रे 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 रे, बहुत पतंग आ रही भाई छत पे। अमन हमको अमन हमें हमें लग रहा है कि हम लोग पतंग खरीद के गलती कर दिए। छती पे इतनी पतंग आ रही है। देख रहे हो? ये देखो, ये कपल्स हैं। ये कपल्स हैं और ये एक कपल रूठ गया है। ये बहते हुए जा रहा है। पसड़ फैल गई है। जंग छिड़ चुकी है। बाप रे, पीछे की पतंग तो आई नहीं थी फ्रेम में।